हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। योगा विद अजित में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने जो सब्जेक्ट लिया था बायोटिन कैल्शियम, उसी तरह आज का सब्जेक्ट है प्रोटीन। और प्रोटीन के लिए जानकारी देंगे डाइटिशियन सीमा पोद्दार जी। आइए, नमस्कार जी। धन्यवाद, आपने हमको बहुत सहयोग दे के लोगों तक पहुँचाने के लिए। बात करने वाले हम प्रोटीन। तो मेरा क्वेश्चन, पहला फर्स्ट क्वेश्चन था कि प्रोटीन होता क्या है। काफी लोग बोलते हैं कि प्रोटीन ले रहे हैं, तो क्या चीज में प्रोटीन होता क्या है, दूसरा प्रोटीन क्या सोर्सेस में होता है, तो उसकी प्लीज जानकारी दीजिए। प्रोटीन हमारा पूरा शरीर प्रोटीन से बना हुआ है, एकदम वैसे ही जैसे अगर हम ब्रिक ईंट के ऊपर ईंट रखे पर उसको सीमेंट ना दे तो उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी बिल्डिंग की बीम को। अच्छा, वैसे ही अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो उस बॉडी में एनर्जी हमेशा कम रहेगा। आप देखेंगे वो व्यक्ति थका थका सा रहेगा पूरे टाइम, भले ही वो कितना भी यंग क्यों ना हो। ओके। जो एनर्जी उसमें होनी चाहिए उस लेवल उस उम्र के अनुसार वो नहीं होगी, तो इसीलिए प्रोटीन हम लेते हैं ताकि बॉडी हमारी स्ट्रेंथ में रहे। बॉडी बिल्डर कहते हैं इसको। ओके। ये बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जितना प्रोटीन एक व्यक्ति को लेना होता है उतना यदि आप लेते हैं तो आपकी बॉडी बहुत हेल्दी और एनर्जेटिक रहती है। आपने फिर पूछा था सोर्सेस क्या हैं इसके। हाँ जी। नेचुरल के जो सोर्सेस हैं वो दालों में पाए जाते हैं, मिल्क में पाए जाते हैं, हरी सब्जियों में पाए जाते हैं, सीड्स में पाए जाते हैं, वो आप ले सकते हैं। जो लोग एग खाते हैं वो एग ले सकते हैं, एग में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। चिकन में आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो इन दी रोस्टेड फॉर्म, इन द ग्रिल्ड फॉर्म आप नॉनवेज का थोड़ा पोर्शन ले सकते हैं, अदरवाइज एग वाइट सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको वजन की कोई दिक्कत ना हो या कोई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत ना हो तो एग येलो भी आप साथ में ले सकते हैं। एग येलो के अंदर जो प्रोटीन होता है बहुत रिचर फॉर्मेट का होता है, जो नॉर्मली वेजिटेरियंस के डाइट में नहीं होता, इसीलिए हम उसको रेकमेंड करते हैं कि यदि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप फुल एग खाइए। ओके। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे इसमें खाने में हम लोग में प्रोटीन जाता है, तो प्रोटीन हमें कैसे पता चलेगा। जैसे आपने एक बताया कि वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, उसके इसके अलावा कुछ टेस्टिंग टेस्ट वगैरह होता है उसका कुछ। हाँ, प्रोटीन का टेस्ट भी होता है जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन है कितना, नॉर्मल है कि कम है कि ज्यादा है। ओके। दूसरी बात ये होती है कि जनरली प्रोटीन का टेस्ट कोई कराते नहीं है, इट्स बहुत कॉमन नहीं है कराना। Okay. जब तक कि आपको कुछ किडनी का इशू या और कोई बीमारियां नहीं हो जिसमें ना अपनी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो, और प्रोटीन हमें नहीं लेना होता है। अभी मैं पूछना चाहूंगा, जैसे मेरे स्टूडेंट जो योगा स्टूडेंट है, योगा करते हैं, तो मैंने उनको कभी बताया नहीं कोई प्रोटीन लो या कितना लेते हैं, उनसे कभी हमने डिस्कस नहीं की। इसीलिए हम लोग ये बता रहे हैं कि प्रोटीन की जानकारी उनको प्राप्त हो, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए मात्रा में, उनको किसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, तो कभी पहले लेना चाहिए, बाद में लेना चाहिए, सुबह लेना चाहिए। क्योंकि मेरे एज जो स्टूडेंट है उनकी एज कम से कम 30 से लेके 50 के एज तक स्टूडेंट है, तो उनके लिए आप कैसे बताओगे प्रोटीन लेने के लिए। सर, जब भी हम उसको वर्कआउट से रिलेट करते हैं, हाँ जी, कोई भी प्रोटीन को या कार्ब्स को या फैट्स को या किसी को भी, जब भी व्यायाम करने की हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम खाली पेट व्यायाम नहीं करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ तो चाहिए कार्ब्स बोल के, जो हमारे फैट को बर्न करने में हमारी मदद करें। जो व्यक्ति खाली पेट व्यायाम करते हैं उनका शायद पहले महीने में वजन गिरता हुआ दिखेगा, पर सेकेंड थर्ड मंथ में उनको कोई भी रिजल्ट ज्यादा दिखता नहीं है। तो कोशिश करके पहले हम कुछ भी खा लें, जैसे और एक या दो बिस्किट होता है या खजूर है या एक केला है, व्यायाम के आधे घंटे पहले हमें खाना चाहिए। फिर जब हम व्यायाम करते रहते हैं, अगर आप योगा करते हैं तो योगा डिपेंड करता है कि आप बहुत इंटेंस वाला कर रहे हैं या एवरेज वाला कर रहे हैं या सिर्फ स्ट्रेचिंग में जा रहे हैं, उसके अनुसार आपका वाटर इंटेक ड्यूरिंग द योगा पीरियड या एक्सरसाइज पीरियड होना चाहिए। उसके बाद में हमारा बॉडी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है क्योंकि हम व्यायाम कर रहे हैं। Okay. शुगर कम हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको बढ़ाने के लिए पहले सबसे पहले हम 2 से 4 किशमिश खा लें।
ताकि हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाए, नॉर्मल पे आ जाए। ओके, मैं एक क्वेश्चन बीच में, किशमिश सादा की भिगा हुआ ऐसा कैसे भी चलेगा सर? चलो बढ़िया, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद में हमें प्रोटीन लेना होता है तुरंत ही, व्यायाम के तुरंत ही बाद हमें प्रोटीन लेना होता है, जो कि आप शेक के फॉर्म में, जो आजकल पाउडर्स के डब्बे आते हैं वो फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर आप उसको, अगर आप बहुत मोटे नहीं हैं, हेल्दी हैं, तो ड्राई फ्रूट मिल्क शेक के फॉर्म में ले सकते हैं, प्लेन मिल्क के फॉर्म में ले सकते हैं, पालक जूस के फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि पालक में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। सीड्स में आप मिक्स करके उसको कुछ अच्छा डेजर्ट बना के आप उसका ले सकते हैं। तो कोशिश करके प्रोटीन का इंटेक तुरंत ही व्यायाम के बाद करें। उसका रीजन ये होता है कि हमको व्यायाम करने में हमारे मसल्स ने हमको सपोर्ट किया है। उस मसल को खाना चाहिए जिसने हमें व्यायाम कराया है। जो एनर्जी बर्न हो गया तो उसको फिर से पावर चाहिए। हाँ जी, क्योंकि मसल नहीं तो आपके कोई नहीं सर, मसल दुख रहा था, कल आपने एब्स कराया पेट दुख रहा था, ये नॉर्मल कंप्लेंट्स होती है वर्कआउट के जरिए के टाइम पे। तो जैसे ही हम प्रोटीन लेना शुरू करते हैं, ये प्रॉब्लम्स आपको कम महसूस होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, पर बहुत मैनेजेबल फॉर्म में होगी, इतनी कम कि शायद आप नेक्स्ट डे आने में हिचकिचाएंगे नहीं। हाँ हाँ, मैंने थके नहीं रहेंगे तो हाँ, अच्छे मन से योगा करेंगे, एक्सरसाइज कर पाएंगे। जी जी, तो मेरे को ऐसा पूछना था कि जो एक्सरसाइज करते हैं और प्रोटीन आप बोलते हैं कि कुछ इस तरह फॉर्म में लेना चाहिए, तो उसमें जो योगा नहीं करते हैं और एज के हिसाब से छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक, तो उनको किस तरह की प्रोटीन लेनी चाहिए, या फिर वो कुछ प्रोटीन लेते हैं तो उनको कोई साइड इफेक्ट्स? आइडियली प्रोटीन इंटेक की जो अपन बात पूछ रहे हैं आप मुझसे, 0.8 ग्राम पर किलोग्राम, एक किलो जिसका वजन है उसको 0.8, हाँ जी 0.8 ग्राम लेना है। तो मिनिमम जिसका 80 किलो वजन हो, हाँ, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से 0.8, 84, एवरेज में आप समझ लीजिए 1 ग्राम एक किलो पे। ऑन एन एवरेज हम रफली, हम ये लेमैन को समझने में आसानी रहती है। तो अगर आपका वजन 70 किलो है तो 65 से 70 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। तो आपको आइडियली आप पूरे दिन का, अभी आप कैसे जानेंगे कि ये आपको प्रोटीन आपको इतना पूरे दिन में गया है? सर ये थोड़ा टफ जॉब है लेमैन के लिए, उसके लिए आपको मेरी सहायता या किसी और प्रोफेशनल की सहायता लेनी ही पड़ेगी। पर फिर भी ऑन एंड रफेज में अगर आपको बताया जाए, तो अगर आप 2 कटोरी दाल दोपहर में, 2 कटोरी दाल शाम को, थोड़ा 50 ग्राम जितना पनीर, दूध का इंटेक और हरी सब्जी का इंटेक लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन हो जाता है। ओके, मैंने आपके खाने का यह है कि रोज के खाने में प्रोटीन वाला खाना चाहिए, जैसे दाल प्रोटीन हो गया, मिल्क प्रोडक्ट में अपना पनीर हो गया है, तो 2-3 चीजें उसको हम लोग रोज फोकस करते हैं तो प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। जी, कोशिश करके दाल गाढ़ी लें, हाँ, पतली ना लें, ताकि प्रोटीन अच्छे से जाए। तो कई लोगों के यहाँ पे बहुत पतली पानी सी दाल, हाँ, होती है, तो उसमें प्रोटीन का इंटेक भी उतना ही कम हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि दाल की कंसिस्टेंसी कितनी है, आप उसको कितने बार कितने कैसे ले रहे हो। हर एक चीज में प्रोटीन है, दालों में ज्यादा है, हरी सब्जियों में ज्यादा है, इसलिए हमें फोकस ये करना है। किसी किसी को प्रोटीन खाने से वायु का प्रॉब्लम हो सकते हैं, जी, तो कोशिश करें कि सबसे पहले बात की, जिसको भी वायु की प्रॉब्लम है वो दही या छाछ के साथ लें। माने खाना खाते समय दही छाछ रख सकते हैं? जी, लेना ही है उसके साथ। हाँ जी, क्योंकि नहीं तो वायु की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, डाइजेशन में इशू आ सकते हैं, और उम्र देखते हुए अगर आपको और कोई बीमारी है तो प्रोटीन आप बिना जानकारी के ना लें, स्पेशली जब आपको यूरिक एसिड होता है, सीरम क्रिएटिनिन होता है, उनमें प्रोटीन हम बोलते हैं ना की मात्रा में एक्सट्रीमली लो, तो वो आपको ध्यान जरूर रखना है कि आपको अगर कोई भी क्लिनिकल डिसऑर्डर है। आपने जो प्रोटीन की बात बताई अभी कि प्रोटीन ना ले, तो नेचुरल सोर्स में लेना नहीं चाहिए कि पाउडर वाला जो शेक वाला वो मना कर रहे हैं आप?
दोनों में सर, क्योंकि अगर यूरिक एसिड का रेशियो तो खाने में भी हमको सब थोड़ा सा डाइट वाला सिस्टम लो रखना पड़ेगा कि ताकि यूरिक एसिड बढ़े नहीं जी। और उसके लिए मेन ये होता है कि उसका रेशियो, उसका रेंज हमें जानना जरूरी है कि वो पर्सन कौन से रेंज में खड़ा है, उसका रिपोर्ट क्या बोल रहा है। उसका रिपोर्ट अगर बॉर्डर लाइन है तो हम उसको नेचुरल सोर्स का प्रोटीन थोड़ा बहुत फिर भी दे देते हैं, पाउडर प्रोटीन मना कर देते हैं। आइडियली एक पाउडर प्रोटीन के स्कूप में मिनिमम अराउंड 14 से लेके 25 ग्राम तक का प्रोटीन होता है। ब्रांड टू ब्रांड, क्वालिटी टू क्वालिटी मैटर करती है, तो वो चीज उनके लिए हानिकारक होती है, तो वो हम उनको मना कर देते हैं। तो आप फिर भी अपनी तरफ से हमारे योगा स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आपको माइंड में कुछ हो तो उनके लिए कुछ बताइए। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अधिकतर लोगों का व्यायाम करने का जो लक्ष्य होता है वो या तो वेट लॉस होता है या फिर फिटनेस होता है। यदि आप वेट लॉस पे हैं, प्लीज कार्ब्स खा के वर्कआउट करें। हमें लगता है कि खा के वर्कआउट करने से हमारा वजन नहीं गिरेगा, ये एक मिथ है। ये मतलब आपके अंदर एक भ्रम है, उस भ्रम को ना रखें। आप खा के करिए, आपका वजन जल्दी गिरेगा। बहुत सिंपली है, अगर आप मिक्सर को खाली चलाएंगे तो वो जल जाएगा, उसके अंदर कुछ है नहीं चर्न करने के लिए। आप सुबह से जाग गए हैं, उठ गए हैं, जब आप उठ जाते हैं आपकी इंटेस्टाइंस भी एक्टिव हो गई हैं। एक्टिव इंटेस्टाइंस को अगर आप कुछ डाइजेशन के लिए नहीं देते हैं और फिर आप व्यायाम के लिए चले जाते हैं, तो आपके बॉडी में एसिडिटी का फ्लो ज्यादा रहेगा, गैसेस का फ्लो ज्यादा रहेगा आपके बॉडी में। व्यायाम करते हुए आपको थकान महसूस होगी, जितना आप कर सकते हैं उससे आप बहुत कम करेंगे तो रिजल्ट आपका वैसे भी कम हो जाएगा। कोशिश करके देखें एक बार एक महीने के लिए कि आप पहले कार्ब्स लें थोड़ा सा, कार्ब्स इन द सेंस कि बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं खाना है। दो बिस्किट है, एक दो खजूर है, एक आधा केला है, मे बी आधा या छोटा एप्पल है तो एक एप्पल है, व्यायाम के आधे घंटे पहले। उसके बाद में हम दो से चार किशमिश खा के प्रोटीन का कोई भी इंटेक जरूर लें, फिर मेरे ख्याल से आपको शरीर जो दुखता था वो भी नहीं दुखेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। इन सबसे ज्यादा आपके इंचेस बहुत अच्छे से गिरेंगे जो नॉर्मली हम हमेशा देखते हैं, क्योंकि वेट में हमको खाली डाइटिशियन है, हमारा योगा इंस्ट्रक्टर हो या फिजिकल इंस्ट्रक्टर हो, वो खड़ा करवाता है वेइंग स्केल की मशीन पे, पर बाकी सब लोग हम हमको फिजिकली देख रहे होते हैं तो ये बोलेंगे आज बहुत पतले दिख रहे हो, आज बहुत मोटे दिख रहे हो। तो आपका प्रोटीन इंटेक से आपका इंच लॉस बहुत अच्छा होगा, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा, कॉम्प्लीमेंट्स आने से आपका जोश बना रहेगा और आपकी जो जर्नी है वो बहुत अच्छे से निकलेगी। हाँ जी, एक अच्छी बात मेरे को याद आ रही है। देखिए, हमने लास्ट टाइम में दो टॉपिक लिए, आज तीसरा टॉपिक लिया। ये हम सभी टॉपिक सिर्फ आपके पर्सनल के लिए नहीं है, ये आपके ऑल फैमिली के लिए। देखिए, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, छोटे बच्चे हो या बड़े आदमी, जैसे ऑफिस जा रहे हो और थके भागे आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि थके हुए हैं, एनर्जी लेवल कम है, वो उस तरह का उनका भी एक वर्कआउट ही है जो 8 घंटा 12 घंटा वो सर्विस देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे बाहर स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्कूल से आते हैं, जब थके थके रहते हैं तो आपको पता, एक आइडिया लगाना चाहिए कि उनको कोई हम प्रोटीन एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं तो प्रोटीन शेक जरूर दे, और या खाने में ऐसे कोई चीजें प्रोटीन बढ़ा दीजिए, पनीर उनके सैंडविच में, अलग अलग तरीके से अपने अपने जैसे कोई भी तरीके से उनको प्रोटीन उनके बॉडी में जाने दीजिए। हस्बैंड, आपके बच्चे, आप, और केयर करें, सबका ध्यान रखें। हम लोग का यही टॉपिक है कि आप एकदम स्वस्थ रहे और इसका बेनिफिट उठाए। तो आप आए, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह लास्ट टाइम मैंने बताया कि मेरा जो चैनल है, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सबको शेयर करके बांटे ताकि वो सब इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। ओके, धन्यवाद जी।